निर्मल गंगा में नगर का दूषित पानी जाने पर हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान व समाज सेवी नेता ज्ञानेंद्र राघव ने उठाई आवाज। गंगा भक्तों ने गंगा को दूषित करने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ रोष व्याप्त। बुलंदशहर हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान व अध्यक्ष मेरठ मंडल मेरठ ज्ञानेंद्र सिंह राघव, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ट्वीट कर गाय और गंगा को आस्था का केंद्र बताते हुए छोटी काशी अनूप शहर में जल निगम के अधिकारियों की लापरवाही व नेताओं के संरक्षण के चलते गंदे नालों को ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करने की वजह मेन हॉल से ही मोहल्ला मदार गेट छोटी काशी अनूप शहर में सीधा गंदा पानी माँ गंगा में प्रवाहित होने के प्रकरण में आपत्ति व्यक्त कर भाजपा द्वारा गंगा और गाय को आस्था बताकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उनके दावे व वादों की याद दिलाई तथा स्थानीय नेताओं पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जल निगम के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा सीवरेज लाइन में हुए घटिया सामग्री व पीला ईंट के इस्तेमाल की जांच कराकर भी दोषी ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञानेश चौहान और ज्ञानेंद्र सिंह राघव द्वारा लॉकडाउन का जिक्र करते हुए अधिकांश फैक्ट्रियों के बंद होने के चलते माँ गंगा के जल अविरल निर्मल दिखाई देने वाले जल को छोटी काशी में जल निगम के अधिकारियों व नेताओं के भ्रष्टाचार के संरक्षण के चलते गंदे नाले में साफ करने की बजाय मेन होल से ही गंदा पानी माँ गंगा में प्रवाहित होने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त कर डीएम बुलंदशहर तथा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश व माननीय प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप कर कार्रवाई करते हुए माँ गंगा को अविरल निर्मल बनाए रखने की मांग की है। जहाँ एक और केंद्र सरकार गाय और गंगा की बात करके करोड़ों अरबों रुपए का फंड जारी कर अविरल और निर्मल कर आस्था का बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं उनके अधिकारी और कुछ नेता मिलकर के गठजोड़ और संरक्षण से छोटी काशी अनुचर जनपद बुलंदशहर में जल निगम द्वारा संचालित ट्रीटमेंट प्लांट में बजाय नगर का पानी शुद्ध होने से उनकी अपेक्षा मेन होल से ही सीधे गंगा जी में जा रहा है, गंदगी सीधी गंगा जी में जा रही है। आज लॉकडाउन की वजह से जहां माँ गंगा अविरल और निर्मल दिखाई पड़ रही है, फैक्ट्रियां बंद है, वहीं छोटी काशी अनुचर जनपद बुलंदशहर में अधिकारियों के अनदेखियों के चलते और कुछ भ्रष्ट संरक्षण के चलते अनुपशहर में गंदगी सीधे गंगा जी में जाने का काम कर रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर मौन बने हुए हैं, जो कि क्षेत्र के श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत कर रही है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में भी जो काफी चेयरमैन और नगर के नेताओं सभासदों द्वारा हम जैसे समाज सेवियों द्वारा सीवर लाइन में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था, लेकिन संरक्षण के चलते भाजपा की दोहरी नीति उजागर हुई है। अधिकारी और ठेकेदार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुनः हमारी मांग है कि माँ गंगा को अविरल और निर्मल बनाए रखने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट को कायदे से काम करो और अधिकारियों पर कार्रवाई। साजिद कुरैशी की रिपोर्ट।